ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि लाइक ऑब्जेक्ट को कट कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टूल पे क्लिक किया यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे सिंपल स्प्रे ले लो, ठीक है, ड्रॉ किया, लेफ्ट क्लिक से एंड टी प्रेस कर दे या एडिट पे क्लिक कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। मेक पॉलीमर्स 3D बेसिक जो पार्ट है कंट्रोल एन कर देना ताकि पिछला कुछ चला जाए, ठीक है। अगर कुछ हो तभी कंट्रोल एन करेंगे। मेक पॉलीमर्स 3D कर दिया मैंने यहाँ पे, बेसिक मटेरियल है, बेसिक मटेरियल को चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एफ से आप यहाँ पे देख पाओगे वायरफ्रेम, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज़ को कट करना है, तो कट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल स्विफ्ट दो बटन प्रेस करेंगे एंड लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग टूल मिलते हैं, पहले एक ही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्लिप सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, क्लिप सर्कल पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो अभी मैंने ऐसा कुछ कट किया, मुझे अगर ऐसा कुछ शेप बनाना है तो मैं ऐसा कुछ शेप बना सकता हूँ फिर, ठीक है, ऐसा कुछ शेप मैंने बनाया, ये एक बार में कट हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो क्लिप सर्कल से आप ऐसे कट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सब टूल पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपेंड किया, अपेंड में जाके मैं यहाँ पे सपोज मैंने एक सिलेंडर 3D ले लिया, ठीक है, सिलेंडर 3D पे आ जाते हैं यहाँ पे, ओके, ये लेयर पे आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एफ एज यू नो वेरिएबल, कंट्रोल स्विफ्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे मैंने, क्या क्लिप सर्कल बताया, ठीक है, क्लिप सर्कल सेंटर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इससे क्या होता है, ये सेंटर पे होगा, ठीक है। तो ऐसा क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आप शेप आपको यहाँ पे कुछ अलग सा नजर आएगा कि कैसे कटिंग है, सामने से मुझे जो फोकस चाहिए सामने से वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो, ओके। आपको वन बाय वन करके सब चीज़ों को मैं एक बार ऐड ऑन करके दिखा देता हूँ भाई कैसे क्या करना है। मैंने क्यूब लिया, क्यूब लेने के बाद कंट्रोल एन करना, कई बार ऐसे दिखता है डबल डबल, तो समझ जाना, ठीक है। इस लेयर पे आ गए हम लोग यहाँ पे, कंट्रोल स्विफ्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्लिप रेक्टेंगल लेता हूँ, इससे पहले क्या है क्लिप कर्व है, कर्व का पहले यूज करते हैं कंट्रोल स्विफ्ट। ये देखो 3D पार्ट दिख रहा है, जिधर एक तरफ से आपको थोड़ा सा ब्लैक टाइप से दिख रहा है यहाँ पे। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करो तो आपने कंट्रोल स्विफ्ट ऐड किया तो देखो यहाँ पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस चेक करो यहाँ पे, स्विफ्ट एफ, ठीक है, मिक्स स्विफ्ट एफ, ये मेरे पास इस पे है, ठीक है, स्विच किया तो यहाँ पे स्विच करना, इसका वायर फ्रेम नजर नहीं आ रहा, अभी देखें यहाँ पे कंट्रोल स्विफ्ट कटिंग हुआ गया, आप इसका कटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, किसी भी चीज़ का कटिंग करना चाहिए। देखो ये शेडेड पार्ट आपको ऐसे दिख रहा है, मैं ऐसे कटिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल स्विफ्ट ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे, तो हम लोग को थोड़ा सा फैमिलियर होना है इसके साथ। देखो ये ऐसे करना है तो ऐसे भी कट कर सकते हैं मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसकी एक बेस्ट पार्ट देखो यहाँ पे, कंट्रोल स्विफ्ट यहाँ पे क्लिक किया, अभी मैं ऑल्ट भी क्लिक कर रहा हूँ, ऑल्ट करने से एक कर्व आ जाएगा, ऑल्ट क्लिक किया एक बार दो बार तीन बार शार्पनेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक कर्व के ऊपर राउंड आएगा, फिर एक दो तीन, आप जितने बार क्लिक करोगे जितने बार आप ऑल्ट प्रेस करते हो उतने बार वो शार्प हो जाएगा यहाँ पे। अभी ऐसे देखो, तो अभी ऐसे देखने में देखो कुछ कटिंग हुआ, कुछ बहुत बढ़िया नहीं हुआ, तो इसको भी एक लिमिटेशन है, इसमें भी तो उस लिमिटेशन कैसी है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ऑल्ट एक बार दो बार क्लिक किया और मैं ऐसे कट करता हूँ तो ऐसे में आपको बहुत ईजिली हो जाएगा यहाँ पे। ये समझना पड़ेगा क्या एक किसी चीज़ को कट करने का, इनके भी कुछ लाइक बेनिफिट्स हैं तो कुछ लॉस भी हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने ऐसे कट किया तो कितने जल्दी हो गया, अभी इसी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल स्विफ्ट, ठीक है, लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, टर्न टर्न, ठीक है, अभी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो कटिंग कैसा आ रहा है यहाँ पर, वो नहीं ले रहा, तो ये आपको समझना पड़ेगा इसका ड्रॉबैक क्या है। एक क्लिक किया यहाँ पे, अभी चेक करो यहाँ पे, तो ये इसको नहीं एडजस्ट कर पा रहा, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे जैसे यहाँ पर देखना पे, मैं पहले ऐसे कट करके कर लूँगा यहाँ पे, फिर मुझे ऐसे कट करना है तो ऐसे करके मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं कट करके काम कर सकता हूँ। तो इनके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, देखो यहाँ पे देखें कुछ शेप आपको ऐसे भी देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको तो समझ के काम करना पड़ेगा सेगमेंट के साथ। देखो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो वो देखेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको उसे बैलेंस भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज मैंने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल पार्ट सिलेंडर मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल पार्ट स्पेयर 3D बस बचा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पेयर 3D लिया मैंने यहाँ पे, सेम चीज़ देखो यहाँ पे कट है, ठीक है, मैंने अभी कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करें यहाँ पे, ये देखो लेसो टूल भी यहाँ पे, ठीक है, लेसो टूल क्या, जैसे हमने फोर्सेप अगर किसी ने यूज़ किया तो ये शेप को मैं ऐसे मैं कट कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो अभी कट हुआ, लेकिन किस टाइप से हुआ, ऐसे कुछ,
तो यहाँ पे कुछ चीज़ बहुत बढ़िया होंगी और कुछ चीज़ आपको ऐसे भी दिखेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कोई भी चीज़ अगर कट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो और किस टाइप से कर रहे हो, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे क्लिप टूल यूज़ कर रहा हूँ तो क्लिप टूल को मैं यूज़ करने का मेरा मोटिव क्या है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट करके देखो, एक तो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक्स चेंज करके दिखाया मैंने आपको आपके यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगल है सर, क्या ठीक है, कर्व लेस हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करोगे आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे अब रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर में जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, जिसमें यहाँ पे क्या है देखो मैंने ऐसा कुछ किया था कि कितनी बढ़िया कटिंग हुई। तो कुछ चीज में कटिंग बहुत बढ़िया दिखेगा और कुछ चीज में आपको पास कटिंग जो एवरेज दिखेगा, बिल्कुल आप इसको यहाँ थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपने मैनेज किया, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, ये आपने ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लुक वाइज चीज़ों को मैनेज करो, देखो यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे, अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा पार्ट है, तो मुझे यहाँ पे क्या ट्राई करना है कि भाई मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके मैंने स्ट्रोक वाला पार्ट ट्राई किया यहाँ पे। अभी देखो तो ये आप देखो यहाँ पे कैसे कुछ पार्ट आ रहा है, कुछ पार्ट आपको बहुत बढ़िया दिखेगा, कुछ पार्ट आपको ऐसे भी दिखने वाला है। तो व्हाट वी वांट, हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा कुछ पार्ट करना है जिसमें हम लोग चीज़ों को दिखा सकें। कंट्रोल शिफ्ट पे गए, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बाकी सभी आपके इसमें कटिंग में कोई टूल नहीं है, स्टार्टिंग के आपके चार है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसको हम चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिम सर्कल, देखो ट्रिम सर्कल पे क्या काम करने वाला है यहाँ पे, देखो ठीक है, अभी ये कैसे ट्रिम करेगा, ट्रिम यहाँ पे देखो, तो ये भी थोड़ा सा चीज़ों को देखने वाला बात है क्या, स्विफ्ट ऐप के ऊपर ये भी चीज़ ऐसे भी वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं कहता हूँ इंसर्ट किया मैंने यहाँ पे, स्पेयर थ्री डी लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो बढ़िया काम किया, अभी यही काम मैंने पहले भी किया और यही काम मैंने अभी किया, यहाँ पर देखा आपको ट्रिम सर्कल, ठीक है, ये ट्रिमिंग का पार्ट है। ये देखो ये हम लोग क्या कोई भी अगर ऐसा कुछ पार्ट बनाना है तो ऐसा कुछ पार्ट में हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ये पार्ट ऐसा हो गया तो ट्रिम कर दें यहाँ पर, ठीक है, आपको ये पार्ट देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा कि आपको ट्रिमिंग करना है तो ट्रिमिंग कैसे कर सकते हैं। जब हम लोग रोबोटिक कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा यूज होता है, यहाँ यहाँ पे काम है तो ट्रिम करके, ट्रिमिंग वाला पार्ट है, ट्रिमिंग में आप देखो यही सेम ट्रिमिंग में तो आप एक के जगह दूसरा कोई ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। ट्रिम में आप देखो सेम चीज यहाँ पे लिखा है, कर्व है, रेक्टेंगुलर है, सेम उसी टाइप से पार्ट है, आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स से बनाने के लिए भी चाहिए अच्छी हो जाएगा कि आप कैसे क्या काम कर सकते हो।